वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में दोस्तों सीटेट में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी आधार पर जितने चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं आज यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं या देख लेती हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हमने बहुत मेहनत करी है, 60 से 61 प्रश्न बैक टू बैक बहुत फास्ट करेंगे और देखिएगा एग्जाम में फतेह नहीं आप 130 से आगे स्कोर करके आएंगे या आएंगी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहीं से उठाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण का आलसी पशु कहा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा तो आपको मारना है, स्लाथ मारना है। अगर चित्र की बात करें तो स्लाथ एक ऐसा पशु है जो बहुत आलसी प्रवृत्ति का पशु है। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। ये अपने जीवन काल में दोस्तों 40 वर्ष का समय व्यतीत करता है, इसकी उम्र जो है 40 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। ऐसा क्वेश्चन आज एग्जाम में देखने को मिला, कल उल्लू से मिला, मोर से मिला, लेकिन आज ये वाला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला। लेकिन आपको परेशानी नहीं लेनी है, पहली बार है तो सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि हम शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं, हमारे कोई उद्देश्य दूसरे नहीं है। मिलियंस बच्चे, आप जैसे बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे इस देश को जरूरत है। आंसर हमारा कलचिड़ी के साथ चला जाएगा क्या? कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है? दोस्तों कलचिड़ी, कलचिड़ी कौन सा पक्षी होता है? अरे कलचिड़ी को ही इंडियन रोबिन कहा जाता है, इंडियन रोबिन कहा जाता है दोस्तों। और यही दोस्तों बच्चे कई बार यहां पर परेशानी का सबब बनता है उनके सामने। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ट्रेंडिंग में है, कहता है डफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? जनजाति से आज प्रश्न आया है और बच्चे परेशान हो गए कि सर जनजातियां तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको 3 से 4 जनजाति बता देता हूं जो एग्जाम में ट्रेंड होंगी, याद है ना। चलिए अगर नहीं पता है तो सुनिएगा कि डफला और सिंगपो दो जनजातियां हैं, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। क्या है? भारत के दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। एक चीज और बता दें, अब आप कहोगे सर ये डफला और सिंगपो अगर ना आई तो कौन सी होंगी, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा यहां पर क्या रखा है, एक आपको फिगर दिखाया है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लेप्चा जनजाति सबसे ज्यादा आती है, कहां की है? सिक्किम की है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। चकमा जनजाति है, असम की है, असम की बात करें जहां चाय का उत्पादन ज्यादा होता है और यहां के जो मकान होते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं, जो सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मिजो जनजाति नाम से ही मिजोरम है, और लुसाई जो सबसे ज्यादा आती है मिजोरम। तो ये 3 जनजाति ये हो गई, और चौथी ये, पांचवी ये अरुणाचल प्रदेश के साथ आंसर चला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 4 नंबर। हाथी बहुत ट्रेंडिंग में है, हाथी बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों, तो आइए हाथी को देख लेते हैं। कहता एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा सकता है? एक बार सभी बहनें सभी भाई आने वाले एग्जाम में झंडा गाड़ना चाहते हैं या चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर वो कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा जो, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपको गाने से कराऊंगा, देखिए मजा आएगा। 5 नंबर, एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम पत्ते व झाड़ियां खा सकता है? तो मैं कहता हूं 100 किलोग्राम। अगर ऑप्शन नंबर बी है आपका तो सही हो जाएगा। जो बच्चा 200 किलोग्राम आंसर मान रहा है तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है जो अभी इस वीडियो में हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो मजा खराब हो जाएगा। चलिए गाना से क्वेश्चन करते हैं। तू धरती पर चाहे जहां रहे, यानी चाहे जहां भी रहे, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये संदर्भ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोलो। चलो भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाब आपको देना है, आपको लॉक करना है, लॉक किया जाए। हाँ, आपसे कह रहा है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। कहता है तू धरती पर चाहे जहां भी रहे, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये संदर्भ है रेशम के कीड़े से, क्योंकि सीटेट का एक ऐसा चुनिंदा चैप्टर है जिसमें रेशम आता है, और रेशम दोस्तों, रेशम की जो कीड़ा होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं मादा और मेल में ये रिलेशन बनाता है कि उसकी गंध से वो पहचान लेता है दोस्तों। ये बात याद रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो राइट ना। आज 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या मिले हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मिले हैं क्या, वो मिले हैं मानचित्र से मिले हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बच्चों के सामने मानचित्र से बनाया गया।
ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था और आज भी कराएंगे, क्योंकि मानचित्र अगर नहीं होता तो बच्चा कंफ्यूज होता है। समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जम्मू और कश्मीर में आपको पता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राजस्थान हो नहीं सकते, हिमाचल प्रदेश पंजाब हो जाएंगे। अगर चित्र देखा जाए ब्लर है, कोई बात नहीं। यहां पर देखा जाए ये आपका क्या है, ये आपका पंजाब है, मैं आपको बता देता हूं ये पंजाब है, और ये आपका उत्तराखंड है, और ये आपका क्या है, आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हो तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब यही से तो लगता है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी ये ब्लर था, कोई दिक्कत नहीं। सेवन नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्या आप लॉक कर पाएंगे, क्या आप जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को ऑप्शन को बिल्कुल क्रैक करेंगे। सेवन नंबर क्या कहता है, आपको जवाब देना है। देखिए कहता है स्लाथ अपने जीवन काल के एक एक दिन होना चाहिए, स्लाथ अपने जीवन काल में एक दिन में कितने घंटे सोता है, आपको लॉक करना है। स्लाथ अपने जीवन काल के एक दिन में, ये बहुत से बच्चे डी ऑप्शन मार रहे हैं, बहुत से बच्चे तीन भी ऑप्शन मार रहे हैं। अरे एक दिन में 30 घंटे कब से होने लगे, मुझे तो ये बता दो पहले। जीवन काल में 17 घंटे, यानी एक दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 17 घंटे ये स्लाथ सोता है। और ये स्लाथ दोस्तों सबसे आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। जैसे ये देखिए स्लाथ की बात करें, ये चित्र है स्लाथ का। स्लाथ से जो पहला क्वेश्चन कराया था कि निम्नलिखित में पर्यावरण का आलसी पशु स्लाथ कहा जाता है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो आइए हम आठवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आठवां क्वेश्चन एक मानचित्र से लेता हूं तांडव के साथ। कहता है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। अगर आप समुद्र तट की बात करोगे, हमने ये क्वेश्चन भी कराया है, लेकिन आज जब मानचित्र से क्वेश्चन देखेगा तो बच्चों के पसीने भी छूटे, कुछ बच्चों ने गलत भी किया। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा ना, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, समुद्र तट में अरब सागर इधर होता है और बे आप बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर है। अगर आप यहां देखोगे तो चित्र तो थोड़ा सा यहां पर देखने को मिलेगा आपको ब्लर, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कर्नाटक, केरल, गुजरात के साथ चला जाएगा। क्यों, यहां देखिएगा ये है केरल, ये है कर्नाटक, और महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं तो गुजरात हो जाएगा। अब देखिएगा केरल, कर्नाटक, गुजरात का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा ले नहीं सकते। पश्चिम बंगाल आपका कहां पर होता है, यहां पर होता है पश्चिम बंगाल, ले नहीं सकते दोस्तों, ये भी नहीं ले सकते। आंध्र प्रदेश आपका दिखता है कहां पर, आंध्र प्रदेश आपका इधर देखो देखने को मिलता है, ये भी नहीं ले सकते। मुझे मारना था क्या अरब सागर वाले, तो इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। नाइन नंबर आपके स्क्रीन पर है, नाइन नंबर स्क्रीन पर है फिर वाइगोस्की से आज जो प्रश्न आए हैं, पियाजे से भी प्रश्न आए हैं, पक्षियों से जो प्रश्न आए हैं वो कर लेते हैं। देखिए गिर शेर परियोजना कहां पर अवस्थित है, हमने कहा अगर देखा जाए गिर शेर परियोजना, दुधवा आपका कहां पर है, अगर दुधवा पूछा जाए, देखिए दुधवा आपका अंतरराष्ट्रीय दुधवा की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा देखने को मिलता है, किसली देखने को मिलता है, गिर दोस्तों गुजरात में देखने को मिलता है, इसलिए आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बाइगोस के बीच में आ गए, इनको खत्म कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सीखने के लिए केंद्रीय होती है। वाइगोत्स्की से जो कल क्वेश्चन आया था वो ZPD का सिद्धांत आया था, आज क्वेश्चन भी पूछा गया तो पूछा गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से मिलता जुलता प्रश्न था कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है ZPD का, जिन्होंने दिया है वाइगोत्स्की ने अर्थात दिया है, और संस्कृति एवं भाषा के अंतर्गत इस क्वेश्चन के आंसर को चले जाएंगे, क्योंकि संस्कृति इनके शब्दों में ही आता है, ठीक है ना। ये आत्मसात वगैरह अनुकूलन वगैरह ये तो पियाजे की बात होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन 11 नंबर की बात करें, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे की बात करें तो कौन सा सिद्धांत, अब देखिए दो सिद्धांत एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, एक तो ये सिद्धांत आता है, तो ये हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है मिस्टर पियाजे ने दिया है, तो ये जीन पियाजेट हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक देना था, बोलो कोई भी डाउट है, नहीं होना चाहिए। आइए 12 नंबर की बात कर लेते हैं, कहता है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाढ़, बाढ़ मतलब होता है जो मेहंदी की जो एक मेल टाइप की होती है उस पर घोंसला बनाता है। एक बार ताल ठोक कर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, परीक्षा में यही आएंगे प्रश्न, मैं वादे के साथ कहता हूं, क्योंकि घुमाते रहेंगे NCERT के प्रश्न और आपको परेशान करते रहेंगे। आप परेशान तभी नहीं होंगे जब तक दोस्तों आपका क्या है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही सिलेबस अधूरा है तो परेशान होंगे। बेटा यहां पर आंसर जाएगा फाख्ता के साथ जाएगा, इंडियन रोबिन को कलचिड़ी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है।
बारवेट और दर्जन चिड़िया के बारे में भी हम बताएंगे अभी इसी वीडियो में। कल दर्जन चिड़िया से भी क्वेश्चन था दोस्तों, 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। एनसीए 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीए भर भर के पूछा जा रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपने अगर पढ़ा भी नहीं तब भी हो जाएगा। बोलो सर ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे एनसीएफ के पैडागोजी के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अच्छा नेगेटिव ऑप्शंस तो हटा सकते हो ना, या हटा सकती। अब देखिए नेगेटिव आंसर हटाइए, ये वाला तानाशाह हटा देना है। आधिकारिक, आप क्या कोई ऐसे ऐसे ओहदे की बात करोगे, ऐसे पद की बात करोगे जो बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ाए? अनुमोदक से बढ़िया सुविधादाता होगा कि नहीं? एक बच्चे के लिए एक शिक्षक सुविधादाता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए, सक्रिय जिज्ञासु के रूप में होना चाहिए। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए 14 नंबर कर लेते हैं, जो एग्जाम में देखने को आज भी मिला है। यहां से प्रश्न क्या आया था बेटा, यहां से जो भी प्रश्न आया था लेकिन उससे मिलता जुलता प्रश्न लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बताइए? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूं, डेविड ब्रेसलर ने भी बुद्धि दिया है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने। जीन पियाजे की बात करें तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, एंड आउट नहीं होना चाहिए। हार्वर्ड गार्टनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है जिसमें बहुबुद्धि को बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए यानी वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैंने कहा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, 14 नंबर ये है, 15 यहाँ पर होना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको जवाब देना है। कौन बच्चा कहेगा, कौन बच्चा यहाँ पर लाइक करेगा? हाँ इस क्वेश्चन को लाइक करेगा, वीडियो की बात नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कौन लाइक करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही ट्रेंड होगा। अब कौन सी शिफ्ट में होगा ये मैं नहीं कह सकता, आने वाले परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका ट्रेंड होगा। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कौन होगा? यहां पर आपको ऑप्शन में है सनवर्ड, बी है कौवा, सी है बसंत गौरी जिसको वारवेट कहा जाता है, और भारतीय रॉबिन को इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर ऑप्शन नंबर बारवेट के साथ जो बच्चा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। देखिएगा अगर तने की बात करें तो तने में बसंत गौरी, बारवेट, या फिर आपने कठफोड़वा नाम सुना होगा, तो आप परेशान ना हो। जैसे हमने कहा इंडियन रॉबिन को कलचिड़ी बोल दिया, बच्चा परेशान हो गया। अरे बसंत गौरी, बारविट, और आपको यहाँ पर क्या याद रखना, कठफोड़वा। दूसरी चीज, ये पत्थरों के बीच में, ये दोस्तों सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और इसको चोर पक्षी की संज्ञा भी दी जाती है, चोर पक्षी कहा जाता है कौवे को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए मानचित्र से प्रश्न है, ये प्रश्न इससे भी बड़े बड़े आज प्रश्न पूछे गए मानचित्र से। मानचित्र में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का 16 नंबर पूछा गया है, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। चलो भाई बताइए, स्वागत है आप सभी को। मेरी माँ पढ़ी नहीं है लेकिन आपकी हर वीडियोस मेरे साथ देखती हैं, आपकी माँ को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोककर जय महाकाल। हर बच्चे के माँ और माँ पिता को मेरा बहुत सारा प्यार और प्रणाम, अभिनंदन। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, यही प्यार हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमालय प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। अब दिल्ली के, अब देखो हमेशा एक ट्रिक याद रखना, हमेशा ट्रिक याद रखना कि जब भारत की बात करेगा, देखिए भारत की जब बात करेगा तो भारत में जो ऊपर वाला स्तर होगा वो उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा, इधर वाला पूर्व होगा और इधर वाला पश्चिम होगा, हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। अब दिल्ली, अब इतना तो पता होना चाहिए कि दिल्ली कहां पर होगा। दिल्ली पर खड़े हो जाइए, दिल्ली से कहता है कि हिमाचल जाना है भैया, दिल्ली पर खड़े हो जाइए, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल मुझे जाना है। पहले ऊपर जाएंगे और फिर कहता है क्या, फिर जो है हिमाचल जा चुके और कहता मध्य प्रदेश फिर जाना है मुझे, फिर मुझे मध्य प्रदेश जाना है। तो अब ये मुझे बता दीजिएगा कि हिमाचल और मध्य प्रदेश है कहां पर? भाई साहब दिल्ली ये है और हिमाचल हमें जाना था ये, मध्य प्रदेश जाने के लिए ये करेंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। भैया ब्लर है कोई दिक्कत नहीं, समझने की भावनाओं से समझिएगा कि आंसर क्या होगा। अरे बस इतना याद रखो कि नॉर्थ ये है और साउथ ये है, पहले वो उत्तर जाएगा और फिर वो दक्षिण जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अरे है तो बिल्कुल सामने ही सामने, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आंसर हमारा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न था, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोहल वर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? दोस्तों नैतिक विकास आपसे पूछ रहा है, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आज ऐसे हम 61 कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो आपको कभी हारने नहीं देंगे एग्जाम में। कोहल वर्ग से पूछा गया, कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है।
बच्चा समाज के द्वारा सीखेगा। और उनके अंतर्गत उन्होंने स्टेज के साथ सब स्टेजेस के साथ छह जो है चीजें बताई हैं, इसलिए अवस्थाओं की बात करेंगे, आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जो 100% आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेगा और कब आ जाए कुछ नहीं पता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्योंकि बस इसको इंग्लिश में कर दिया था उन्होंने ZPD, इंग्लिश में पूछ लिया कि ZPD का सिद्धांत, कल वाली जो 100% आया था आपको बताया था ना, बच्चों ने भी खूब बताया कि सर ये क्वेश्चन आया सबसे जबरदस्त वाला CDP में, कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अगर ऐसे लिख के आ गया तो परेशान होने की बात नहीं, इसको ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसकी हिंदी है, किसके द्वारा दिया गया था, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। मैं फिर से कहूंगा, वाइगोत्स्की ने दिया है एक समाज का सिद्धांत, कहा गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, और ब्रूनर भी कैसे है एक संज्ञानवादी है, कोहल वर्ग